तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 500 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाता है। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में अंडा करी और चावल लगा हुआ है, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है अंडा करी और चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, ये पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बाहुबली थाली अंडा करी चावल लगा हुआ है। आज हमारा अंडा करी चावल ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में दो चैलेंजर बैठ चुके हैं, तो इनसे परिचय करवाते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं, देखते हैं दोनों चैलेंजरों में जो फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा 500 रुपए का पुरस्कार, और देखते हैं कितने समय में दोनों सीनियर सिटीजन है चैलेंजर, तो देखते हैं कितने समय में कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दो योद्धा बैठ चुके हैं बहुत गजब तरीके से। तो क्या नाम है आपका? राम सजीवन। आपका? हरिश्चंद। मतलब दोनों लोग इस समय पूरी तरह से तीर कमान संभाल के बैठ चुके हैं। एक तरफ बैठे हैं राम सजीवन जी और एक तरफ बैठे हैं हरिश्चंद जी। तो देर न करते हुए चाहेंगे कि दोनों लोगों के लिए टाइमर को चालू कर दिया जाए। चालू हो जाएगी आप लोग। और टाइमर चालू होते ही पूरी तरह से स्टेरिंग की तरह राम सजीवन जी थाली को घुमा लिए हैं और बहुत गजब तरीके से बाइट लेना चालू कर दिए हैं, और ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ पर राम सजीवन जी जीत हासिल कर लेंगे। और हरिश्चंद जी भी पूरी तरह से जुटे हुए हैं, सोच रहे कि बिना हराए हम जाएंगे नहीं, बिना इनाम लिए हम जाएंगे नहीं। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 500 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाता है। और हरिश्चंद जी ले जाते हैं राम सजीवन जी, और राम सजीवन जी की जो फुर्ती है यही फुर्ती अगर बरकरार रखेंगे तो आज 100% अमेजिंग इलाहाबादी चैनल पर आए हैं, तो फर्स्ट टाइम आए हैं, तो जीत हासिल करके ही जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत गजब। और फुर्ती लगा के ही रखेंगे, सोच रहे हैं कि आज हम जीत कर जाएंगे। बहुत लालसा थी अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल पर जीतने की, तो आज मौका मिल गया है दोनों लोगों को। तो देखना है कि सबसे पहले मंजिल पर पहुंचकर 700 रुपए का हकदार कौन होता है, 500 रुपए का हकदार कौन होते हैं, राम सजीवन जी या फिर हरिश्चंद जी। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और यही कोशिश इन लोगों को 500 रुपए की राशि दिलाएगी। और हरिश्चंद जी जो टेक्निक लगाए हैं बहुत गजब की टेक्निक लगाए हैं, सोच रहे हैं कि जो भी टेक्निक लगे लेकिन जीत हासिल करके ही जाएं। और इधर राम सजीवन जी भी पूरी तरह से एकदम जीत, जब तक हरिश्चंद जी एक अंडा फोड़ते हैं तब तक राम सजीवन जी 3 अंडा उड़ा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। देखते ही देखते मात्र 1 अंडा बचा हुआ है राम सजीवन जी के थाली में, जबकि हरिश्चंद जी के थाली में भी 3 अंडे बचे हुए हैं और चावल भी सेम मात्रा में बचा हुआ है। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 500 रुपए का नगद पुरस्कार कौन ले जाते हैं, और यह पुरस्कार रखेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी कोशिश है। और जो ऐसे सीनियर सिटीजन है और साबित कर दे रहे हैं कि हम भी जवानों से कम नहीं है। बहुत गजब, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस समय चैलेंज को स्वीकार किया और बहुत ही गजब तरीके से मंजिल की ओर भागे जा रहे हैं। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 500 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेता है। राम सजीवन जी, लोग प्लेट खाली नजर आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और यही फुर्ती चाहिए, यही साहस चाहिए चैलेंज के लिए। बहुत गजब, और एकदम पूरी तरह से आप जुट चुके हैं हरिचंद जी, और देखना है कि राम सजीवन जी इनका पीछा करके इनको आगे पीछे कर पाते हैं कि नहीं। और बहुत गजब तरीके से इस समय चल रहे हैं, बहुत ही गजब तरीके से भाग रहे हैं, लेकिन राम सजीवन जी भी कह रहे हैं कि भाग लो जितना भागना हो, एक हम उछाल मार के मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन देखना है, और दोनों ही चैलेंजर बहुत तगड़े चैलेंज में है और कांटे की टक्कर है दोनों चैलेंजरों की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और एक के ऊपर एक जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेवी चाहिए दादा जी? ग्रेवी नहीं चाहिए, ग्रेवी अगर ग्रेवी चाहिए तो बोल दीजिएगा। बहुत गजब तरीके से और बहुत ही मस्त तरीके से जो यहाँ पर पीछे लग रहे थे कि हरिचंद जी पीछे हो जाएंगे, लेकिन हरिचंद जी लगभग लगभग काफी हद तक का बढ़त बना चुके हैं, और राम सजीवन जी भी लगभग लगभग काफी हद तक का आगे जा रहे हैं। तो देखना है कि इस उहापोह में कौन जीतता है, कौन हारता है। और ग्रेवी दे दीजिए राम सजीवन जी, ग्रेवी दे दीजिए। और ऐसा लग रहा है राम सजीवन जी की जो खाने की ललक थी वो पूरी हो चुकी है, जो चाहिए था उनका लगभग पेट भर चुका है। नहीं नहीं, खा लेंगे, अगर खा लेंगे तो 500 रुपए की राशि पा जाएंगे। बहुत गजब तरीके से दे दीजिए, और उधर दे दीजिए, यहाँ पर पहुंच चुकी है ग्रेवी। तो देखना है, और हरिश्चंद जी लगभग लगभग काफी हद तक का बढ़त बना लिए हैं। खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए, यहाँ पर बैठे हैं तो ये मत सोचिए जीत कर जाना है, हार के नहीं जाना है। और यहाँ पर पूरी तरह से हरिश्चंद जी लगभग लगभग काफी हद तक का सफल तय कर चुके हैं, मात्र 2 या 3 बाइट बची हुई है 500 रुपए पाने के लिए। हरिश्चंद जी फुल फॉर्म में आए थे, जिस फॉर्म में आए हैं
वो फॉर्म साबित कर दिया कि आज हम चैलेंज में पहली बार, पहले तो घबरा रहे थे, कह रहे थे हम इतना खा ही नहीं पाएंगे, लेकिन जब चैलेंज में बैठ गए तो एकदम। अभी आपको खाना पड़ेगा, लास्ट बाइट बची हुई है, ले लीजिए बटोर के पूरी तरह से, और देखते ही देखते राम सजीवन जी पूरी तरह से। पहले ही अपने धार तलवार रख दिए थे, ग्रेवी का कंप्लीट होते ही मतलब थोड़े से चावल से पीछे रह गए, लेकिन जितना भी साहस दिखाए बहुत बढ़िया किए, बहुत गजब तरीके से हरिचंद जी बढ़त बनाए और जीत हासिल कर लिए। तो राम सजीवन जी का धन्यवाद करते हैं और हरिचंद जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। बाहुबली थाली अंडा करी चावल ईटिंग चैलेंज में चाचा जी जीत चुके हैं, तो इनको इनाम की राशि कैश देते हैं। और तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अंडा करी चावल, और तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अंडा करी चावल के इस चैलेंज में हरिचंद जी बहुत गजब तरीके से जीत हासिल किए हैं, और राम सजीवन जी भी पहले तो इतना गजब स्पीड लगाया कि ऐसा लगा कि हरिचंद जी पीछे हो गए हैं, लेकिन देखते ही देखते इनकी बैटरी धीरे धीरे डाउन होती चली गई और डाउन हो गए, जबकि हरिचंद जी जिस तरह से डाउन थे जब इनकी खाने लगे तो इनकी बैटरी प्लस होती चली गई और बहुत गजब तरीके से जीत हासिल किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा मिल गया भैया? कितना है? तो राम सजीवन जी क्या वजह रही कि आप थोड़ा सा पीछे रह गए? मैं खाना खा के आया। तो आप पहले से ही कल से ही एंट्री करा के घूम रहे कि आप हमारे चैलेंज में आएंगे, तो आप खाना खा के क्यों आए? सोच रहे पता नहीं कब नंबर लगे। तो आपको चैलेंज कैसे लगा? सही लगा, अच्छा लगा। और अंडा करी चावल कैसा था? ठीक। आपको चाचा जी? ठीक था। हाँ, तो आप एंट्री करा के जाते हैं तो मतलब उसी हिसाब से तैयारी बना के आइए कि मैं तो हमारे चैलेंज में कोई पैसा तो लगता नहीं है, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इनाम की राशि मिलती है। तो आप अपने हिसाब से तैयारी बना के आइए और अगली बार आइएगा, फुल फोकस के साथ आइएगा, और जो थोड़ा सा चावल छोड़ दिए अगली बार छोड़ना नहीं है, जीत कर ही जाना है। तो फिर भी ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।